इधर लखनऊ में गरजे योगी आदित्यनाथ, उधर रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सेना के जनरल का छूटा पसीना। पूरे पाकिस्तान में दौड़ने लगा योगी के खौफ का करंट। अगर योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वे कौन सा पहला काम करेंगे? योगी ने कर दिया ऐलान, कांप उठा पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर योगी आदित्यनाथ का सबसे तीखा जुबानी वार, पूरे पाकिस्तान में मचा हाहाकार। योगी ने जो बोला है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या पीओके बहुत जल्दी हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला है? क्या सीएम योगी पीएम बनने के बाद पाकिस्तान पर हमला कर देंगे? क्या 2029 में पीओके को हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान से छीन लेगी? आप कहेंगे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर क्या होगी, तो आपको बता दें कि यह सब बहुत जल्द होने वाला है। यह सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को जो कहा उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब योगी बाबा की डिमांड बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वहां छा जाते हैं। दमदार भाषण और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि योगी आदित्यनाथ को सबसे अलग बनाती है। योगी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। उनकी कथनी और करनी में जरा सा भी फर्क नहीं है। पूरा देश योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषण दिया है जिसे सुनकर योगी बाबा की डिमांड और बढ़ गई है। देश की जनता अब योगी को जल्द से जल्द पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। 29 मई को योगी आदित्यनाथ की हुंकार सुनकर पहली बार पाकिस्तान में इतना तगड़ा भूकंप आया कि रावलपिंडी में बैठा जनरल भी पसीना पसीना हो गया। आप जानते हैं 29 मई को क्या हुआ? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस इवेंट में योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया। भाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में योगी के खौफ का करंट दौड़ने लगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ पीओके और पाकिस्तान पर इतने तीखे हमले कर रहे थे। योगी ने दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान और पीएके के हालात इतने बुरे हैं कि वहां 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी मची हुई है। इसके बाद तो योगी ने पाकिस्तान की सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। योगी ने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंक देने वाला पाकिस्तान आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। आजादी के वक्त भारत की सबसे उपजाऊ जमीन पाकिस्तान में मिली लेकिन ये संभाल भी नहीं पाया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई लेकिन पाकिस्तान दरिद्रता की सीढ़ी चढ़ता हुआ नर्क के गर्क में गिरता जा रहा है। योगी यही नहीं रुके, इनके इस भाषण की एक एक लाइन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को तलवार की तरह जख्म दे रही थी। जो पाकिस्तान मोदी नाम की शक्ति से कांपता है उसे अब योगी आदित्यनाथ भी सबक सिखाने आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत पीओके पर योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा बयान आया है जिसे अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी की राजधानी में गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीओके पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए तड़प रहा है। योगी ने कहा कि पीओके से आवाज आ रही है, हमें पाकिस्तान से मुक्ति देकर भारत में फिर से शामिल करो। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज की तारीख में हम इतनी बड़ी ताकत हैं कि भारत को कोई टेढ़ी नजर नहीं देख सकता। हिंदुस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखे लेकिन जो जैसी भाषा में समझता है आज भारत उसी भाषा में जवाब दे रहा है। दरअसल योगी का यह अवतार पाकिस्तान को इस वजह से भी परेशान कर रहा है क्योंकि योगी अब भारत के प्रधानमंत्री पद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी। पाकिस्तान को यह भी पता है कि उसके बाद दिल्ली की चढ़ाई के लिए सीएम योगी अपना दम दिखाएंगे। और योगी जैसा शख्स अगर 2029 में देश का पीएम बन गया तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये बच्चे बच्चे को पता है। फिलहाल योगी के भाषण को देखकर पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं और पीओके के लोग मोदी मोदी के साथ योगी योगी करने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या योगी बाबा के देश की बागडोर संभालने के बाद पीओके भारत में शामिल हो जाएगा? आप अपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।